ईद की छुट्टियों के हवाले से अहम तरीन अपडेट आ चुकी है। समरी भी अरसाल कर दी गई है। अब कौन सी समरी वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई है और कितनी इसमें छुट्टियाँ दी गई हैं, इजाज़त मांगी गई है, और इसके साथ साथ मुलाज़मीन को एक बड़ी इजाज़त भी मिल गई है जो कि काफ़ी अर्सा से इसका इंतज़ार कर रहे थे, और उसके हवाले से दो खबरें हैं, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पहली जो खबर शेयर करने जा रहा हूँ वो ईद उल फितर के हवाले से है। सरकारी मुलाजमीन और दीगर को इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है क्योंकि परदेश में रहने वाले सरकारी मुलाजमीन ने अपने आबाई घरों को भी लौटना होता है, तो कितनी छुट्टियाँ के हवाले से एक समरी जो है वो वज़ीर आज़म को भेजी गई है, उसकी डिटेल सामने आ गई है। वो ये है कि 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक जो है वो ईद की छुट्टियाँ होंगी। इस हवाले से जो है वो 5 दिन की ये समरी जो है वो वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी गई है। जैसे इसकी मंजूरी होगी, नोटिफिकेशन होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दूसरी खबर आपके साथ प्रमोशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक लेटर लिखा गया है 7 अप्रैल 2023। इस हवाले से ये भी पहले रिक्वेस्ट की गई थी इसके हवाले से, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो परमिशन दे दी है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के हवाले से परमिशन दे दी गई है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो टीचर्स हैं उनकी प्रमोशन रुकी हुई थी, तो उस हवाले से अब उनके DPC के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इजाज़त दे दी है। तो अब इन मुलाजमीन की जो है वो DPC हो जाएगी और इनका जायज़ जो हक है वो उनको मिल जाएगा। तो ये दो न्यूज़ थी, उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी और आप इस वीडियो को पहली वीडियो की तरह शेयर भी करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन लेकर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।